फिल्म की पब्लिसिटी के लिए मैं आपका एक प्रिंट शूट करवाना चाहता हूँ। Oh, I'm so lucky. मैं बिल्कुल करूंगी। तुमसे कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बस इतना जानता हूँ कि अब पल भर के लिए भी तुम्हारे साथ रहना मुश्किल है। अब राजेश बच्चा नहीं है, शादीशुदा है, अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकता है। आप जैसे मिडिल क्लास के लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है मेरा, ऊंचे लोगों में है, ऊंचे लोगों में। मधु को अपना ख्याल रखना आता है। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारी हैसियत सिर्फ नैपकिन की तरह होती है, जिसे हाथ पोंछ कर फेंक दिया जाता है। एरो, जी कहिए। अपना सामान ले जाकर अपने कमरे में रखो। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? क्योंकि तुम जयपुर नहीं जाओ। यह आपका अनुरोध है या आदेश? फिलहाल तो तुम इसे मेरा आदेश समझो। मैं अपने घर की बहू को अपनी आज्ञा के बिना इस शहर के बाहर नहीं जाने दूंगा। तुम मॉडलिंग करती रही, ये मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन गैर मर्दों के साथ तुम शहर से बाहर जाओगी, इसकी मैं तुम्हें बिल्कुल इजाजत नहीं। आपसे इजाजत मांगी किसने है? तुम मेरे इस घर की बहू और तुम्हें बाहर जाने के लिए मेरी इजाजत लेनी होगी। मेरे पति ने मुझे इजाजत दे दी है, बस मेरे लिए यही काफी है। ये घर इसका नहीं है, ये घर मेरा है। और इसकी आंखों पे तो लालच की पट्टियां बंधी हुई हैं। इसे क्या पता कि सही क्या है और गलत क्या है? पति का फैसला सही हो या गलत, उसे मानना पत्नी का धर्म है। और बहू का भी धर्म होता है कि वो बताकर जाए कि वो कहां जा रही है और किन लोगों के साथ जा रही है। और जिन लोगों के साथ जा रही है वो भरोसे लायक हैं भी कि नहीं। समझते क्या है आप लोग मेरी पत्नी को? उसके चरित्र पे आप लोग हमेशा शक करते हैं। शक हम तेरी पत्नी पर नहीं कर रहे हैं, उन लोगों पर कर रहे हैं जिनके साथ वो जा रही है। अरे बेशरम, नाचने गाने बजाने वालों की भी कोई इज्जत होती है? इसने तो पहले ही हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। इज्जत का अर्थ क्या है आपकी नजर में? क्या आप मुझे बताना चाहेंगे? आप जब गली से गुजरते हैं तो शायद चार लोग भी आपको नजर उठाकर नहीं देखते, लेकिन जब एक फिल्म में या सीरियल में काम करने वाला गली से गुजरता है तो लोगों की भीड़ लग जाती है। अब आप ही बताइए, कौन हुआ इज्जतदार, आप या वो नाचने गाने वाले? आज तक कितने लोगों ने आपसे आपका ऑटोग्राफ मांगा है? शायद किसी ने नहीं, लेकिन हम सुबह से शाम तक न जाने कितने लोगों को ऑटोग्राफ देते हैं। कौन इज्जतदार हुआ, आप या वो नाचने गाने वाले? मधु, ज्यादा बड़बोलापन दिखाने की जरूरत नहीं है। वो जिन्हें कोई नहीं जानता वो इज्जतदार, और जिन्हें दुनिया जानती है वो बेइज्जत। उन्हीं के गाने सुनते हैं, उन्हीं के टीवी सीरियल देखते हैं और उन्हीं को गालियां देते हैं। राजेश, तो देर हो रही है, मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो। सुनो, जब तुम दोनों ने अपनी मन मर्जी करने की ठान ली है तो मेरा आखिरी फैसला भी सुनो। आज के बाद तुम दोनों इस घर में नहीं रह सकते। जब
देखो इस घर का ताना देते रहते हैं। मेरा घर, मेरा घर। मुफ्त में नहीं रह रही या किराया दे रही हूँ? फिलहाल मैं आने के बाद फैसला करूंगी कि मुझे यहाँ रहना है या नहीं। और मेरा बेबी नानू से पूछेगा कि नानू तबीयत कैसी है आपकी? सो रहा है। पापा आपको कॉफी चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा, मैं अभी बना देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, पापा पहले ये दवाई खाएंगे उसके बाद कॉफी। देखो बेटा ध्यान से देखो, मैं दवाई खा चुका हूँ। ओह ओके ओके। सोनाली बेटा सच तो ये है कि विनय ने एक दामाद का ही नहीं बल्कि बेटे से पढ़कर अपना फर्ज निभाया है। पापा ये फर्ज तो मेरी जिम्मेदारी है, आप तो नाहक शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। बेटा जब मेरा दामाद अपना फर्ज पूरी जिम्मेदारी के उठा सकता है तो मुझे भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पापा ये फाइल किस चीज की है? बेटे मैंने अपना फर्ज निभा दिया है। मैंने विनय के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी लिखवा दी है। पापा वाकई? हाँ बेटा, आज से विनय मेरा सारा बिजनेस संभालेगा। मलिक इंडस्ट्रीज, मलिक एंटरप्राइजेस की सारी जिम्मेदारी विनय की होगी और मुझे यकीन है कि वो पूरी ईमानदारी के साथ अपना ये फर्ज निभाएगा। मेरे बिहाफ पे तुम्हारे साइन चलेंगे, मेरे बिहाफ पे तुम पूरी एम्पायर का ध्यान रखोगे। लेकिन पापा ये क्या किया आपने? ये पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सब मेरे नाम क्यों? ये सब क्यों? अपना कर्तव्य निभाया है बेटे। थैंक यू वेरी मच पापा, आई एम रियली रियली सो हैप्पी। अब पूरे 20 साल तक विनय को अपनी सच्चाई और ईमानदारी से ये जिम्मेदारी निभानी होगी। उस वक्त तक जब तक हमारा राहुल 20 साल का नहीं हो जाता, और जैसे राहुल 20 साल का हो जाएगा तो विनय की ये सारी जिम्मेदारियां भी खत्म हो जाएंगी। मेरा राहुल बड़ा होकर मलिक एम्पायर्स का मालिक बनेगा। काश मैं तब तक जिंदा रहूं बेटा, उस पल को अपनी आंखों से देख सकूं जब मेरा राहुल बड़ी शान से मेरी कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन पापा राहुल आपका अपना खून तो है नहीं, फिर इतना बड़ा फैसला? विनय तुम ये कैसी बात कर रहे हो? राहुल को पापा ने कानूनी तौर पर अडॉप्ट किया है, वो उनका बेटा है। नहीं सोनाली, मेरे कहने का मतलब ये था कि
मतलब क्या था तुम्हारा? सोनाली, मेरा कहने का मतलब ये था कि जवानी के जोश में और इतनी सारी दौलत देख करके जुनून में कहीं ये अपनी माँ के अधिकारों का हनन कर बैठा तो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। उसकी माँ उसको ऐसे संस्कार देगी कि दुनिया वाकई उसकी एग्जाम्पल देगी कि बेटा हो तो राहुल जैसे। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा था कि भगवान हमारे राहुल को इतनी क्षमता दे कि ये मलिक अंपायर को अपने कंधे पर उठा सके और हम सब गर्व से कह सके कि राहुल हमारा बेटा है। मैं जानता हूं कि मेरा राहुल सारी दुनिया में मेरा नाम रोशन करेगा। यस पापा, और मुझे तो उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब मेरा राहुल बड़ा हो जाएगा। और मुझे ये कहने में कोई डर नहीं कि हाँ मैं रिया से प्यार करता हूं। करता मैं रिया से प्यार, क्या करूंगी तुम? कर रही हो तुम? अब इस सिंदूर से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, कोई हक नहीं है तुम्हें अपनी मांग में ये सिंदूर भरने। मत भूलो गीतिका, ये अब मधुर की जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई दूसरी औरत आ चुकी है और वो समय दूर नहीं है जब तुम इस घर से ही नहीं मधुर की जिंदगी से भी हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओगे और बाद में वो रिया मधुर के दिल पर राज करेगी। राज नहीं, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई और लड़की अपनी मांग में मेरे मधुर के नाम का सिंदूर लगाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई और लड़की अपनी मांग में मेरे मधुर के नाम का सिंदूर लगाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, हे भगवान, ये क्या हो गया? ज्योतिष जीवन की ए टू जेड समस्या, लव प्रॉब्लम्स, प्रेम में धोखा, शादी रुकावट, स्वतंत्रास, मोहिनी वशीकरण, स्पेशा, एक घंटे में 101% लाभ।
मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा, तेरी वजह से मेरे सारे सपने धाराशायी हो गए। एक दीवार बनकर खड़ा हो गया तू मेरे मकसद में। क्या बचा मेरे जीवन में? साइन करता रहूं सिर्फ तेरे 20 साल का होने तक, रोज तिल तिल के घुट घुट के मर मर के जीता रहूं, इंतजार करता रहूं तेरे जवान होने का, ताकि तू वक्त आने पर मुझे मेरी ही कुर्सी से धक्का देकर नीचे गिरा दे और सारी दौलत पर अपना हक जमा करके बैठ जाए, जिसके लिए मैंने इतने बरसों तक अपना खून पसीना बहाया है। नहीं, रोज मर मर के जीने से तो अच्छा है मैं तुझे ही खत्म कर दूं। बेटा, आज से तेरा किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म, हमेशा हमेशा के लिए खत्म। मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा आज। विनय, आ जाएगा तू। विनय, होश में रहो। किसको मार डालने की बात कर रहे हो? अरे बच्चा, क्या 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 कुछ नहीं सुना, कुछ कुछ भी नहीं। विनय, तुम होश में रहो। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई डरावनी शक्ल वाला आदमी हमारे बच्चे का अपहरण करने के लिए आ गया है। मैंने उस आदमी को पकड़ लिया और मैं मारने लगा उसे, और शायद मैं उसी से बड़बड़ा रहा था कि मैं मार डालूंगा तुझे। शायद ये मेरा बहन था, वो डर बैठा हुआ ना दिमाग में। सोनाली, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये सपना है, वहम है, क्या क्या है? I'm sorry. मधुर, हम बेंगलोर कब जा रहे हैं? बेंगलोर तो जल्द जाना पड़ेगा, वहां से क्लाइंट का फोन आ रहा है कि हम लोग कब पहुंच रहे हैं। आई थिंक कल या परसों तक। तो मैं फ्लाइट की टिकट बुक करा लूं? एक काम करो, परसों की टिकट बुक करवा लो। ठीक है। हेलो, जनता ट्रैवल, मैं मधुर जी के यहाँ से रिया बोल रही हूँ। मुझे तो बेंगलोर की टिकट चाहिए परसों की। ओके ओके, थैंक्स।
बोल दे टिकट के लिए। हाँ रिया, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डील मेरी फाइनल हो गई तो जिंदगी में मुझे कभी पीछे नहीं देखना। मधुर, ये डील जरूर फाइनल होगी। अगर ये डील फाइनल हो गई तो आप मुझे क्या तोहफा दोगे? तुम्हें? अगर ये डील फाइनल हो गई ना तो देख, ऐसी गिफ्ट दूंगा तुम्हें जो जिंदगी भर अपने दिल से लगा रखोगे। हमलावर अपने अधूरे काम को अंजाम देने के लिए यहां जरूर आएगा। जी सर, समझ। उस हमलावर को धोखा देने के लिए ही मैंने यहाँ तुम लोगों को सिविल ड्रेस में तैनात किया है। निहारिका को होश आने का मतलब है मेरी तबाही।